मैं अब्दुल फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज। हैदराबाद के ललिता बाग डिवीजन में AIMIM कॉरपोरेटर आजम शरीफ की सरपरस्ती में कुमारवाड़ी से इमीडिया फंक्शन हॉल मोइन बाग तक मेन रोड पर सैनिटाइजर स्प्रे किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस एक दूसरे से फैल रहा है, इसके लिए सफाई का खास ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने घरों से बाहर न निकलें। आज इसके बड़ी रेडियस मशीन के जरिए मेन रोडों पे मारी जा रही है, जहां पर आवाम कोरोना वायरस के जरिए परेशान है। हुकूमत की जानिब से, एजेंसी की जानिब से जो आवाम के दरमियान में इस कंडीशन का इंतजाम किया जा रहा है, वो हम गली गली घर घर के करीब पहुँच कर हम इस स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि आवाम अपने तौर पर सफाई का ख्याल रखिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे रहिए, क्योंकि यह वायरस एक दूसरे के ज़रिए फैल रहा है। आप लोग एहतियात करिए, आवाम परेशान है। के जरिए जहाँ पर बंद का ऐलान हुआ है, वहाँ से जिस लोगों के पास जो सरमाया था वो सरमाया ख़त्म हो चुका है, उसमें भी काफ़ी लोग परेशान हैं। हम हुकूमत के ज़रिए, हुकूमत को कहते हैं आवाम के ज़रिए से कि आप जो राशन देने का वादा किए थे, अभी तक राशन देने का कोई सहूलतें आवाम तक नहीं पहुंची। हुकूमत को भी कहते हैं और आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग सब्र का वो करिए, क्योंकि आप लोग अगर परेशान होंगे तो हुकूमत और पुलिस ये दोनों भी आपको ऊपर जुल्म करेगी, परेशानी वो परेशान होकर आपके ऊपर गुस्सा निकालेगी। तो आप लोग अपने घरों में रहिए, अपने अपने घरों की हिफाजत करिए। 30 मार्च 2020 को हैदराबाद टास्क फोर्स कमिश्नर साउथ जोन और भवानी नगर पुलिस टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में ई सिगरेट गोडाउन हुक्का पॉट्स भवानी नगर PS लिमिट पर छापा मारा, जहां कई तरह के हुक्का फ्लेवर, इंपोर्टेड सिगरेट इलीगल सेल किए जा रहे थे। छापे में 8 लाख रुपए की वैल्यू का मटेरियल सीज किया गया और साथ ही मुगलपुरा हैदराबाद के रहने वाले 23 साल मोहम्मद जोहेब और 19 साल के मोहम्मद हारून को अरेस्ट किया। दोनों स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। भवानी नगर PS में केस रजिस्टर कर पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट।